कहते हैं शबाल का दौर एक बार फिर से शुरू होता है। मेरे साथ बाबा मौजूद हैं, तो बाबा के पास एक लंबा अनुभव रहा है और बीते काल में अपने पुराने समय में बहुतों सारे चुनाव देखे हैं और जो आखिरी समय है, अब क्या कहना चाहते हैं आपके सामने जो प्रतिनिधि हैं, तो किनको आप मानते हैं, किनका समर्थन करना चाहते हैं? हम आज से चुनाव में वोट दे नहीं रहा है, कम से कम सो राजभवन से हम बोल रहे हैं और यहाँ विस्थापित ग्राम के हैं। अब विस्थापित ग्राम जब विस्थापित नगर जब बसा तो वहाँ से कवाड़ के सरकार ने यहाँ ला के दूगो कोठरी बना कर सबको दे दिया, उसी में पुराना साना यहाँ की जनता का है। यहाँ के जनता आज तलक वोट बिहार सरकार को देते रहा, मुखिया के देते रहा, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ। जो कि केंद्र सरकार रोड बना के दिया है, आज ने 2005 में रोड बना के दिया, वही रोड बनल है, रोड तो फंस गया। हम लोग पानी जो पड़ते हैं, जो घर बना के दिया उसमें पानी भर भी जाता है, ना है तो सरकार को आकर जा देखा जाए कि वहाँ की जनता कौन हालत में रह रहा है। आज तलक हम सब का कोई व्यवस्था नहीं है, और कि हम लोग का जो ज़मीन गया उसका मुआवजा में भी अभी मुआवजा नहीं मिला है। पेड़ पौधा जो चल गया अभी तलक ऐसे है, यहाँ हम सब खाली अगोर रहे हैं ज़मीन को, या ज़मीन में कोई लावा धक्का हमारा नहीं है, नहीं रसीद है, ना पर्चा है। तो यहाँ हम सब यही चाह रहे हैं कि बहुत सा विधायक यहाँ आया, विधायक आया बहुत सा कह के गया कि हम यह कर देंगे वैसे कर देंगे, बाकी याद तलक नहीं। हम लोग अभी नया विधायक बनाएंगे और नया से कानून जोड़कर हम लोग अपना राज अपनाएंगे। इसलिए हम लोग अभी तत्काल में जो विधायक मंजू देवी जो है उसको हम लोग विधानसभा में जाकर विधायक को इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगवाएंगे और नया राज बनाकर भी स्थापित को हम सब पर्चा लेके रसीद लेकर छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पीछे तीन इलेक्शन 15 साल से मंजू देवी मुखिया रही नई पोखर ग्राम पंचायत का, तो कैसा रहा उनका जो काल था उनके समय में, कैसा विकास रहा, क्या उनके विकास से संतुष्ट है? हम लोग संतुष्ट है उनका विकास। जब नई पोखर पंचायत से जब खड़ी मंजू देवी मंजू प्रसाद जी है, जो कि आज यही नागरी 2 में रोड जहाँ नहीं मकान बन रहा था वहाँ मकान बनाकर जनता को रहने के लिए दे दिए हैं। जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ जाकर, जहाँ कोई व्यक्ति मर भी जाता है वहाँ जाकर भी खड़ा हो जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा कहीं कोई अथी में पड़ जाता है वहाँ जाकर काम कर देता है, या वो हमारा मुखिया रहे और नहीं रहे तो पर भी जाकर काम वहाँ कर देता है। इसलिए हम लोग उनके अभी विधायक में हम लोग आखिरी सवाल है, तो 5 साल गुजर चुका है नीतीश सरकार रहा और नीतीश सरकार गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो क्या उनका जो मुख्यमंत्री का काल रहा, शासन सत्ता जो समय रहा 15 साल से उनका सरकार रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुतों देखा होगा, एक लंबा अनुभव भी है और उम्र भी काफ़ी आपका, तो नीतीश सरकार से संतुष्ट है, कैसा रहा 15 साल? नीतीश सरकार जो यहाँ काम कर रहा है कहता है, आज नहीं कहा, जबकि 2006 आया था तभी कहे कि पेपर में एनाउंस कर दिया कि जनता को 3 डिसमिल जमीन देंगे, आज तक जमीन नहीं मिला, आज तक जमीन नहीं, कह देता है बाकी करता है नहीं। कहा दारू बंद हो गया, दारू तो घर घर की गाँव गाँव में छूता है, दारू बंद कहाँ हुआ? दारू अगर उसका सरकार रहता तो दारू खड़ी होकर गाँव में बंद करवा देता, बाकी आज तक बंद नहीं हुआ और ज़्यादा हो गया। इसलिए कि दंगा, दारू पीने से दंगा भी बढ़ रहा है, रोज इन्हें मर रहा है इधर, मर रहा है उधर। इसलिए नया सरकार आएंगे कोई तो ज़रूर
बदलाव होगा। चलिए, आपसे बात करके बड़ी खुशी मिली और काफ़ी सारा बात शेयर किया आपने और एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे, क्या नाम है सर आपका? थैंक यू दादा, वेलकम।